यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर, वहां के मारियापुल में रूस की सेना पर लोगों को टॉर्चर करने और बंधक बनाने के आरोप लगे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का इल्जाम है कि शहर से बाहर जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया ताकि कोई बाहर न जा सके। इतना ही नहीं, वहां लोगों को पीने का पानी तक नहीं दिया जा रहा है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है वहां के बारे में? किशोर, 2 मार्च से ही रूसी सेना ने पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। 2 लाख से अधिक लोगों की संख्या ऐसी है जिनको तमाम सुविधाओं की कमी है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, बिजली पानी खाने की समस्या पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है। और इसीलिए यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस के जो सैनिक है इस तरह से पूरे शहर को घेर चुके हैं ताकि लोगों को भूख और प्यास के मौत हो जाए। शुक्रिया नीरज आपका। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के टैंकों को तबाह करने का दावा किया। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना के जवान रूसी टैंकों के सामने खड़े होकर अपना दम दिखाते नजर आए, जिनके पीछे मौजूद रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। यूक्रेन का एक जवान उन गाड़ियों की तरफ इशारा कर जोर से हंसता सुनाई पड़ा। साथ ही उन लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने रूस की सेना को वहां से खदेड़कर उस इलाके को कब्जे से छुड़ा लिया। जहां से ये वीडियो जारी किया गया, वहां के कई मकान और इमारतें हमले की वजह से तबाह हो गईं, जिसकी जानकारी भी यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में दी गई। वहीं अमेरिका और यूके के कई रिटायर्ड फौजियों ने यूक्रेन के लिए लड़ने का फैसला लिया और इनमें कुछ तो रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पोलैंड भी पहुंच गए, जहां से इनकी नजर पोलैंड बॉर्डर पार कर यूक्रेन में दाखिल होने पर टिक गई। ये सभी पूर्व सैनिक अनुभवी और नए हथियार चलाने में माहिर हैं। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दूसरे देश के लोगों से यूक्रेन की सेना में शामिल होने की अपील की थी। उनकी ऐसी अपील के बाद अमेरिका के 3,000 लोगों ने वॉशिंगटन में यूक्रेन के दूतावास से संपर्क किया, ऐसी खबरें हैं।